झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का अभिनंदन समारोह में वित्त एवं सहकारिता मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल नहीं हुए थे। आज प्रदेश कार्यालय पहुंचकर रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका अभिनंदन किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने आज पदभार ग्रहण किया। झारखंड कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने उनका पदभार ग्रहण करवाया। वहीं पदभार ग्रहण करवाने के दौरान ही राजेश ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। रामेश्वर उरांव के नाम का नारा नहीं लगाया जा रहा था, जिससे स्पष्ट तौर पर यह समझ में आता है कि अभी भी झारखंड कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कार्यक्रम के उपरांत वित्त एवं सहकारिता मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, राजेश ठाकुर हमारे छोटे भाई, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। संगठन को अच्छे से अच्छा चलाएंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए अभी भी प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं। इनका जो भी काम छोड़ा है उनको वह पूरा करेंगे। जल्द ही 20 सूत्री कमेटी का गठन करेंगे। फॉर्मूला तैयार है, सभी जिले के नाम मंगवा लिया गया है, बस नाम पर बैठकर चर्चा करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। हमारी बात को बहुत तवज्जो देते थे, तो निश्चित रूप से हम आगे भी इनके मार्गदर्शन लेते रहेंगे। ये ठीक है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सब आना जाना लगा रहता है, और अध्यक्ष जी ने जैसा कहा कि पॉलिटिकल टेंट है जिसमें सब लोग आते हैं जाते हैं और सबको समेट के रखना है। निश्चित रूप से जो भी इनका विचार है, जो भी जैसा सोचते हैं, उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का प्रयास करूंगा। किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी से कोई ये नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी चिंतित रहते थे। 20 सूत्री का अपनी जिम्मेदारी मुझे दी थी और 20 सूत्री की जिम्मेदारी को हमने फॉर्मूला तय कर लिया था। अब 20 सूत्री का गठन होने के लिए नाम सब अध्यक्ष जी ने मंगाया हुआ है और उसको हम लोग संकलित करके एक बार सभी लोगों से राय विचार करके बहुत जल्द जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का इन्होंने निर्णय लिया था उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आज रिक्वेस्ट किया है कि ऑफिस तो ऑफिस, घर में भी जो जगह देनी है वो भी आपको देना पड़ेगा। इन्होंने सहमति जाहिर की है कि मैं मंत्री वाला जो घर है उसमें आपको जब मन करे आप सभी प्रेस मिल मिलकर के बैठ कर के घर मेरा घर नहीं रहना ही नहीं मुझे। अब एक गठबंधन की सरकार है, हम साझा में सरकार कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि जहाँ सरकार द्वारा जनहित का को दरकिनार किया जा रहा, हम समझते हैं कि ये जनहित का होना चाहिए, घोषणा पत्र में है, अगर उसकी उपेक्षा हो रही है तो हमें खड़ा होना होगा, बोलना होगा, आवाज़ उठानी होगी। जैसे मैंने आवाज़ उठाई थी घोषणा पत्र में, हमने कहा था कि OBC को 27% रिजर्वेशन देंगे। कोई चर्चा नहीं हो रही थी तो मुझे बोलना पड़ा अध्यक्ष के रूप में कि नहीं, 27 हमने घोषणा की है, घोषणा पत्र में लिखा है 27% देना है, 27% रिजर्वेशन देना है, चलिए OBC। और नहीं अध्यक्ष हूँ तो पर भी बोलूँगा, ये मेरे जहन में है, ये मेरे जहन में है। सामाजिक न्याय के लिए सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं। कांग्रेस को मानना होगा, सबको लेके साथ चलना होगा, सबको हिस्सा देना होगा। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को पूर्ण शांति के साथ सुना। अब मैं ये कुर्सी अध्यक्ष ठाकुर जी को, राजेश ठाकुर जी को, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश।